वेलकम टू एडियोहॉलिक। आज हम यूपीएससी 2020 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट फोर डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2 इन ईच केसेस। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 1012, ऑप्शन बी 1022, ऑप्शन सी 1122, ऑप्शन डी 1222। इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो भी नंबर दिए गए हैं ये ऑप्शन के, उसमें से कौन सा एक ऐसा नंबर है जो फोर डिजिट नंबर, जिसमें अगर हम उसको डिवाइड करें, जाए चाहे वो 3 से करें, 4 से करें, 5 से करें या 6 से करें, उसमें रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहला जो नंबर दिया गया है 3, हम इससे ही सबको डिवाइड करके देखते हैं किस में रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो हमें क्या होगा, जल्द 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 से जल्दी आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 होता है। अब 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 से तो कितना बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। सो हमारे ये ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 है। अगर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो इसमें हमारा ये थोड़ा थोड़ा सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट भी तो नहीं कर रहा। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। अगर 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, बराबर। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब ये देख लीजिए, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। अगर 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो हमें क्या हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इसके लिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो सबसे डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से भी होगा, और उसमें जो जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 बचेगा। अब एग्जाम्पल के लिए हम चेक कर लेते हैं, 4 से अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 2 8, फिर 2 बचा, 2 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड, 2 4 5 20, 4 5 20, इसमें भी 2 क्या बच गया। तो सेम लाइक 5 में भी बच जाएगा, 6 में भी बच जाएगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।